सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स कॉमनली फेस करते हैं वो है थ्योरी सब्जेक्ट्स को याद करना। मैथमेटिक्स जैसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स याद करने नहीं पड़ते, यहाँ आपको बस एक बार लॉजिक समझना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने प्राइमरी लेवल में समझ लिया और उसके बाद आप किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ मेमोराइज करना नहीं पड़ता, यहाँ आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं। लेकिन जब आप बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल विद रिमेम्बरिंग सच थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, टिप्स एंड टेक्निक्स एक्सप्लेन्ड हियर विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल लेके उसे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इन दिस वीडियो लेट्स फोकस ऑन सम प्राइमरी स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो एंड दैट विल हेल्प यू फॉर इफिशियंट लर्निंग। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के फ्लो को अच्छे से समझना है। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे। टॉपिक के साथ मेंटल एसोसिएशन बनाने से याद करना बहुत आसान हो जाता है। मेंटल एसोसिएशन बनाने का मतलब है टॉपिक के टर्म्स और फैक्ट्स को उन चीजों से जोड़ना है जो आपको पहले से पता है। नेक्स्ट स्टेप इज रेज क्वेश्चंस इन योर माइंड फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स। इट विल इन्वॉल्व यू इन टॉपिक यू आर स्टडिंग एंड यू विल बिकम फैमिलियर विद द होल आइडिया बिहाइंड इट। आपके नोट्स प्रिसाइज होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और समरी से आपको पूरा टॉपिक याद आना चाहिए। यहाँ आप जितना सिस्टमेटिक काम करोगे रिवीजन में उतना ही आपका फायदा होगा एंड यू विल सेव योर टाइम इन लास्ट मोमेंट स्टडीज।